हाय फ्रेंड्स, मैं ज्योति यावले मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम हेयर स्टाइल का पार्टी कंटिन्यू कर रहे हैं और फ्रेंड्स आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों पता है? क्योंकि फ्रेंड्स, जिस ईमानदारी से मैं अपना पार्लर को सिखा रही हूँ, उसी ईमानदारी से मेरे स्टूडेंट सीख रहे हैं, इसकी मुझे खुशी है। क्यों पता है? क्योंकि मैंने मंडे को दो वीडियोज़ डाले थे शाम को और मैंने ट्यूसडे को वीडियो नहीं डाला, तो मुझे कई सारे कॉल्स भी आए और कई सारे व्हाट्सएप मैसेज भी आए और पूछा गया कि मैडम आज वीडियो क्यों नहीं आया। तो उनको मुझे बताना पड़ा क्योंकि मैंने मंडे को दो वीडियोस डाले थे, ये मुझे उनको बताना पड़ा। इसलिए फ्रेंड्स, सही में बहुत खुशी हुई कि नहीं मिली, कि मैं जो ईमानदारी से सिखाने का प्रयास कर रही हूँ, उसी ईमानदारी से मेरे स्टूडेंट सीख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आते हैं अपने टॉपिक पर, हेयर स्टाइल के। तो आज मैं हेयर स्टाइल सिखाने जा रही हूँ आपको। देखिए, वन साइड पहले तो खुद की सेफ्टी का ध्यान और जो डेमो के लिए लड़की बैठी है उसकी सेफ्टी का भी ध्यान रखेंगे। मैंने मास्क लगा लिया है और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से वन साइड पार्टीशन किया है मैंने। वन साइड पार्टीशन करके सामने का लेयर निकाल के रखा है और पीछे में वन साइड एक चोटी डाल के रखी है। देखिए, वन साइड एक चोटी डाल के रखी है और वन साइड लेयर निकाल के रखी है। तो इसको वन साइड लेयर को पहले पैक कर लेते हैं। वन बाय वन लेयर लेके एक एक लेयर इसमें मिक्स करके जाते हैं। देखिए, कुछ ज्यादा नहीं करूंगी, एक सिंपल सा राउंड दूंगी, एक सिंपल सा राउंड। देखिए, वन बाय वन लेयर, वन बाय वन लेयर देखिए, और लेयर में मिक्स करते जाऊंगी। बस देखिए, आप देखेंगे ज्यादा फोल्ड नहीं कर रही हूं, बस ओनली फोल्ड। खाली ज्यादा पतली भी नहीं लेनी है और ज्यादा ब्रॉड भी नहीं लेनी है, मीडियम साइज की लीजिए और थोड़ा सा हाइट दीजिए। थोड़ा सा हाइट देने के बाद इसको थोड़ा अलग अलग करिए और ये जो लेयर है इसको इसको पीछे में पैक करिए। देखिए, इसको पीछे में पैक करिए और यहाँ पे आप एक यूपिंस लगा सकते हो या क्लिप्स भी लगा सकते हो, जो आपको सही लगता है वो यहाँ पे आप पैक करिए। ये होने के बाद अपन ने वन साइड चोटी डाली है। वन साइड चोटी में से आप ऊपर का लेयर उठाने वाले हो। कौन सा लेयर? ऊपर का लेयर उठाने वाले हो। ऊपर का लेयर एकदम ब्रॉड भी नहीं होना चाहिए और एकदम पतला भी नहीं होना चाहिए। देखिए, ये पूरा ऊपर उठाऊंगी और ये ऊपर उठाने के बाद इसका जो लास्ट पोर्शन है ये इसको फोल्ड करूंगी और ये फोल्ड करके मैं इसका राउंड डालूंगी। देखिए, ये राउंड डालूंगी और इसके बाद इसको क्लिप्स करूंगी। इसको दोनों साइड से क्लिप्स करना है, इसको थोड़ा सा पॉप कीजिए। उसके बाद उसके ही नीचे की एक लाइन उठाइए, उसके ही नीचे वाली, और उसको ही उसी दिशा में राउंड करिए। जैसे ऊपर वाली दिशा में अपन ने राउंड किया था उसी में राउंड कीजिए और वहां पे क्लिप्स लगाइए। देखिए, एक तरफ से आप बड़ी वाली अगर क्लिप्स लगाते हो तो दूसरे साइड से एक छोटा क्लिप्स लगाइए और उसके बाद साइड वाली लेयर उठाइए। साइड वाली लेयर उठा के उसको पिन अप करिए। उसके बाद उसके बाजू वाली लेयर उठाना है। वन बाय वन लेयर उठाते जाऊंगी
वन बाय वन लेयर उठाते जाना है। फ्रेंड्स, मैंने जब मेरे वीडियोस पर कमेंट्स देखी, उसमें कमेंट्स भी है और अच्छी अच्छी कमेंट्स आई है मुझे, उसके लिए आप सभी का थैंक यू। लेकिन एक कमेंट्स आई है, जो कमेंट्स में उन्होंने जो मैंने थ्रेड धागा सिखाया था वो थ्रेड धागे पर उन्होंने पूछा है, वो कहाँ के है लेडीज तो नहीं पता मुझे, तो उन्होंने मुझे पूछा है कि थ्रेडिंग धागा मैं सीख रही हूँ लेकिन वो आ नहीं रहा है, यानी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ लेकिन जैसे आना चाहिए वैसा वो आ नहीं रहा है। तो मैं उनका बताना चाहूँगी मेरे वीडियो से ही माध्यम से, मैंने वैसे उनको रिप्लाई तो दिया है लेकिन तो भी उनको बताना चाहूँगी कि धागे की प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि थ्रेडिंग की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। धागा जब तक आपका आ नहीं जाता तब तक आप थ्रेडिंग नहीं कर सकते हो, आपका धागा जब अच्छा आ जाएगा तो आप थ्रेडिंग को हाथ लगा सकते हो, और यकीनन आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो धागा आपका आना ही आना है, सवाल ही नहीं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल पे पूछ सकते हो, मैंने उस पर आपका मेरा नंबर दिया है तो आप उस पर मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, ये वन बाय वन लेयर लेके मैं पूरा नीचे तक आ रही हूँ, थोड़ा स्टेप कट वाले बाल है। तो आपको थोड़ा लगाने में, ये अपन ने वन साइड चोटी डाला है, वन साइड चोटी डाल के, क्योंकि ये वन साइड ही जुड़ा जाता है, आप बीच में भी डाल सकते हो ऐसा कुछ नहीं, अगर आपको वन साइड नहीं पसंद है तो आप बीच में चोटी डाल के भी डाल सकते हो। तो मैंने चोटी पहले ही डाल के रखी थी और वन साइड भी डाल के रखा था, क्योंकि थोड़ा टाइम का भी एडजस्टमेंट रहता है। देखिए ऐसे इसको मैनेज करना है आपको, क्योंकि स्टेप कट वाले बाल है, नहीं तो हर कोई क्या बोलता है कि स्टेप कट के बालों में जुड़ा नहीं बनता है। ये जुड़ा आप रिसेप्शन में किसी को डाल सकते हो, अच्छा लुक आता है। आपको बीच में चाहिए तो आप बीच में भी डाल सकते हो, साइड में चाहिए तो साइड में भी डाल सकते हो, जैसा आपको मैनेज होता है वैसा आप मैनेज कर सकते हो। और फ्रेंड्स, एक कमेंट्स में मुझे पूछा गया कि मेरे नेल पेंट के बारे में पूछा गया कि आपने मैडम नेल पेंट लगाया है वो ओरिफ्लेम का है क्या? तो सही में उसी दिन मैंने ओरिफ्लेम का ही नेल पेंट लगाया था, तो बहुत अच्छा गेसिंग निकाला उन्होंने कि वो मेरा ओरिफ्लेम का ही नेल पेंट है। और इसलिए फ्रेंड्स कि ओरिफ्लेम ब्रांड जो है ना, सही में सही लुक दे जाता है, यानी कहीं से भी कोई पहचान लेगा जो ओरिफ्लेम का नेल पेंट यूज करता है, उसे वो पता ही चल जाएगा कि वो ओरिफ्लेम का नेल पेंट है। देखिए मैं लास्ट तक आ गई हूं, तो उनको बताना चाहूंगी मैं कि सही में मैम मैंने उसी दिन ओरिफ्लेम का ही नेल पेंट लगाया था, तो उन्होंने जो मुझे पूछा उससे मुझे पता चला कि सही में मेरे वीडियोस बहुत डीपली देखते हैं लोग, खाली हेयर स्टाइल पे नहीं तो मेरे नेल पेंट से लेकर टाली करते हैं। इसलिए सही में मैंने शुरुआत में जो बोला फ्रेंड्स कि आज मैं बहुत खुश हूँ, तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं मेरे वीडियो सही में डीप देखते हैं लोग। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा सा एक बन बन गया है, जैसे ग्रेप्स भी बोल सकते हैं आप इसको, ग्रेप्स जुड़ा भी बोल सकते हो। स्टेप कट के बाल है इसलिए छोटे छोटे थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा इसको, और इसको अपने को साइड में लगाना है। देखिए इसको पैक करना है, ये ऐसे ऐसे नहीं डोलना चाहिए, इसलिए ये कान के पास लेके आना है, अगर आपको वन साइड लूप चाहिए तो, नहीं तो आप पीछे में भी डाल सकते हो, और आपको पीछे से भी पैक करना है, साइड से पैक करना है इसको। देखिए ये यहाँ से पैक करूँगी, यानी आप किसी प्रोग्राम में अगर जा रहे हो तो नो रिस्क।
बहुत सही जुड़ा दिखता है फ्रेंड से, बहुत सही और बहुत सही लुक दे जाता है। जब भी आप डालोगे तो आपकी तारीफ ज़रूर होगी। और स्टेप कट के बालों को इतना मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए कोई कोई बोलता है कि आर्टिफिशियल लगाया आपने, तो ऐसी भी तारीफ हो जाती है इसकी कि नहीं भाई ये आपने बनाया ही नहीं। देखिए इसको थोड़ा सा पॉप कर देना, ये हो गया अपना जुड़ा हो गया। और इसको आप साइड से ये लगा सकते हो, जैसे आपको जो चाहे वो लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप सिंपल पिन्स से पैक कर सकते हो या यू पिन से भी पैक कर सकते हो, जैसे आपको कंफर्ट होता है वैसे आप कर सकते हो। और वन फ्लावर तो अपना है ही, फिर देखिए। और इस पर आप स्टार लगा सकते हो, ये स्टार वन बाय वन अगर लेकर लगाते हो तो एक जुड़े को और सही लुक आ जाएगा। और सामने का हेयर स्टाइल आप जो चाहे वो बना सकते हो, पॉप डालना चाहे तो आप पॉप डाल सकते हो, जो आपको बनता है अच्छा, आपके चेहरे को क्या सूट करता है उसके हिसाब से आप डाल सकते हो। देखिए फ्रेंड्स ये जुड़ा इस साइड में आप एक लेयर निकाल के भी रख सकते हो। थोड़ा मैं अपने ये मास्क खोल के आपको दिखाती हूँ ये कैसा दिखता है। देखिए सिंपल लुक भी दे सकता है और हेवी लुक भी ये दे सकता है, तो ये अच्छा खासा लुक दे जाता है। हाँ, लगाते वक्त उसको क्लिप्स अच्छे से लगाना है, अच्छे से क्लिप लगाना है क्योंकि पैक करना है उसको, नहीं तो वो अगर छूट जाता है तो फिर नहीं अच्छा दिखेगा। हाँ, एक लेयर अगर नीचे की निकल जाती है तो नो प्रॉब्लम, ये अच्छी दिख जाएंगी, लेकिन वो बीच में से कहीं से भी छूटना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए मेरा वीडियो था, नेक्स्ट वीडियो के साथ ज्योति आवले प्रेजेंट हो जाऊंगी।